मैं उसका चेहरा देखती हूँ ना तो एक ही जज्बा उभरता है और वो है नफरत का। तुम्हारी नफरत बेवजह है। तुम हारिस की बीवी बनने जा रही हो। कादिर हुरम से शादी करे या किसी और से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, वो इस घर में बहू बनकर आ गई, मेरी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रहेगी। अपनी हैसियत, अपना मुकाम इंसान अपने हाथों बनाता है। किसी के आने से या जाने से किसी की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस घर के लोगों के दिल में अपना मुकाम हैसियत बनाओगी तो अपने रवैये से, अपनी शख्सियत की वजह से, और अगर नहीं बना पाओगी तो इसमें तुम्हारा अपना कसूर होगा, हुरम का नहीं। इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ेगा, वो पहले इस घर में सबकी लाडली थी और मुझसे वैसे ही सारे खार खाते हैं। हर इंसान को मुझ पर तरजीह दी जाती है इस घर में। तो तुम किसी से अपना मुकाबला करते क्यों? तो मैं और क्या करूं? सोच सोच के मेरे दिमाग की नसें पट गई हैं। अपने अंदर जब्त बर्दाश्त पैदा करो, तभी अपनी जिंदगी को आसान बना पाओगे। इधर उधर सोचना छोड़ दो। कादिर के साथ पहले बहुत गलत कर चुकी हो तुम। फिर वही बात, सोबिया हकीकत को नहीं झुठलाया जा सकता। कादिर अपनी जिंदगी में कुछ भी करे तो मैं उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह का वास्ता खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मम्मी बस अब इस मामले में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। तुम खुद को समझते क्या? मुकाबला करोगे मेरा, दुश्मनी करोगे मुझसे? क्या तरीका है? क्या सोच के तुमने मेरी मंगेतर से शादी करने का फैसला किया? हैं? मंगेतर नहीं, एक्स मंगेतर। अब वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है। इनफैक्ट मंगेतर तो तुमने छीनी है ना, इतनी जल्दी भूल गए? सोबिया ने रिजेक्ट किया था तुम्हें। हाँ ठीक उसी तरह जिस तरह पूरम ने तुम्हें रिजेक्ट किया था। कादिर! इनफ। ये सब करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, सच तो फिर भी सच ही रहेगा। तो मतलब तुम मुझसे मुकाबला करोगे, बदला लोगे? इतनी हैसियत, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। औकात भी है और हैसियत भी। एक वक्त था जब तुम यहां थे और मैं यहां, लेकिन अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं, या यूं कहो कि मैं शायद एक लेवल और ऊपर आ चुका हूं तुमसे। और क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं और तुम्हारी मंगेतर से ज्यादा अच्छी लड़की मेरी बीवी बनने लगी है। खामखा की बकवास कर रहे हो तुम। बकवास तो अब तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करता था। और वैसे तुम्हारा मसला क्या है भाई? क्या मसला है मुझसे? तुम जैसा चाहते थे वैसा हो तो रहा है,
सोबिया को छीन लिया तुमने, मोहब्बत भी हो गई और अब तो शादी भी करने लगे। पूरम तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है भाई, मान लो इस बात को। और तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए वैसे भी कि मैं और पूरम अपनी अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करने लगे। किस बात का बल खा रहे हो तुम? चलो, बहुत चाव चढ़ा है ना तुम्हें पूरम से शादी करने का, कर लो। शी इज नेवर गोइंग टू बी अ गुड वाइफ और तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, अगर मैं खुश ना भी रहा ना तो कम से कम तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अरे तुम क्या बेवकूफ आदमी हो यार, छोटी सी बात तुम्हारे जहन में नहीं आ रही है। अरे हुरम जैसी लड़कियों का दिल कभी घर में नहीं लगता, उनका दिल हमेशा घर के बाहर ही लगता है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? तमाशा आपके बेटे ने लगाया हुआ है, पूछे ऐसे। किस लहजे में तुम अपने डैडी से बात कर रहे हो? जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है और जो कर रहे हैं उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं किस तरह बात करूंगा आप लोगों से? निजी आवाज रखो, बकवास बंद करो अपनी। और क्या क्या किया हमने तुम्हारे साथ? एक बात आप लोग दोनों अपने जहन में बिठा लीजिए, पूरम जैसी लड़की को मैं एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या तुमने लड़की लड़की लगा रखा है? होने वाली बहू है वो इस घर की, भाभी है वो तुम्हारी। और अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो तुम जा सकते हो इस घर से, तुम्हें इजाजत है। आप उस लड़की के लिए अपने बड़े बेटे को इस घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं? जब बेटे को मां बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो फिर ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और एक बात और याद रखो तुम, ये जो तुम एग्रेसिव होकर घर वालों को बुरा भला कहकर अपनी बात नहीं मनवा सकते, और इस दफा मामला तुम्हारी जिंदगी का नहीं है। रात के वक्त लोगों को परेशान मत करो, जाओ जाकर आराम करो अपने कमरे में। ये देखा तुमने, ये कैसे देख रहा है मेरी तरफ? आरिस जाओ अपने कमरे में, सुना नहीं है तुमने? जाओ अपने कमरे में। कादिर तुम आराम करो बेटा, तुम्हें हारिस की बातों पर गौर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, आराम करो। आओ।